हेलो, गुड मॉर्निंग मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल प्रिया मिश्रा ब्लॉग में। और मेरा मॉर्निंग का जो रूटीन है वो शुरू हो गया। मैंने जो है कृष्णा के लिए आलू का पराठा बनाया था, और आलू के पराठे के साथ में जो है ना थोड़ा सा जो है टमाटो सॉस इसके साथ में रख दूँगी इसके लंच में। तो ये इसका लंच हो गया। और वैसे खाने में तो बनाया था दाल चावल सब्जी रोटी, सब बन चुका था मेरा। पर कृष्णा के लिए लंच के लिए ये पराठा बनाया था ना, तो वही मैं रख रही थी। तो मैंने सोचा यहीं से वीडियो स्टार्ट कर देती हूँ बनाना। और कैसे हो आप सभी? आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे। और मैंने जो है कृष्णा का जो है लंच रख दिया है, और अभी इसमें केचप रखना रह गया है, वही टमाटो सॉस, तो वो रख दूँगी। और घर पे जो है ना वो कुछ ना कुछ है ऐसे ही बिस्किट वगैरह चाय के साथ ले लेता है, वो खा के और चला जाएगा, क्योंकि सुबह जल्दी स्कूल होता है ना। तो मिलती हूँ अभी थोड़ी देर में ही। हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हो मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल प्रिया मिश्रा ब्लॉग में। और सबसे पहले तो आप सभी को श्रावण के दूसरे सोमवार की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज सोमवार है ना, तो मैं जो है पूजा करने के लिए मंदिर जा रही थी ना। सुबह से मेरा सारा काम हो चुका है, कृष्णा जो है वो स्कूल जा चुका है, पतिदेव जो है वो ड्यूटी जाने वाले हैं, अभी गए नहीं है। और थोड़ा सा इनकी जो है ना पहले चोट है ना, तो उस वजह से भीड़ में ये जो है जा नहीं पाते हैं ना। तो कह रहे थे चलना मंदिर, तो चलो चलते हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ है ना, सोमवार है इसकी वजह से। तो देखते हैं, मेरे पास में रहती है मेरी दीदी, तो उनसे फ़ोन करके देखते हैं। कर वो जा रही होंगी ना, तो मैं उन्हीं के साथ में मंदिर चली जाऊँगी या ऑफिस चले जाएंगे। और अगर नहीं इतने टाइम पूजा का वो बनेगा, ज़्यादा भीड़ होगी ना, तो शाम में जाएंगे मंदिर। और कैसे हो आप सभी? आई होप आप सारे अच्छे होंगे। और मेरा जो है सारा वर्क जो है घर का, तो वो तो हो चुका है लगभग, खाना भी मेरा जो है वो बन चुका है, बना लिया मैंने दाल चावल सब्जी। और कृष्णा जो है वो पराठे लेके गया है आलू के, वो मैं जो है वो उसकी वीडियो बना नहीं पाई। तो कैसे हो आप सभी? और अभी देखते हैं कि मंदिर मुझे मिलेगा जाने को कि नहीं, तो मिलती हूँ मैं आपसे अभी थोड़ी देर में। तो पतिदेव को जो है ना गेट तक जरूर छोड़ने जाती हूँ, और ये ऑफिस के लिए निकल चुके हैं, बाहर खड़े हुए हैं, और बस यहीं तक भेज के इनको। और फिर मेरा फाइनली पतिदेव जो है ना ऑफिस के लिए निकल गए हैं, अभी मैंने दिखाया आप सभी को। और अब जो है मैं जो घर के बाकी काम और बचे हुए हैं ना वो कर लेती हूँ। मैंने ये सब बेडशीट वगैरह धुला था ना, तो सबको फोल्ड करके रखना होगा मुझे। और पतिदेव की अलमारी जो है उनके कपड़े इतने सारे बिखरे हुए पड़े हैं, ये देखिए घर की हालत सबके जाने के बाद में कैसी हो जाती है। ये देखो सब कुछ ज़्यादा वो पड़ी, सब कुछ बेडशीट वो भी बिखरी हुई, और सब कुछ इधर से उधर दवाइयाँ और ये सब कुछ बिल्कुल। और अब यही सब काम हो जाते हैं ना जब सब चले जाते हैं, फिर हम लोग के लिए यही काम बहुत हो जाते हैं करने के लिए। और आपको दिखाती हूँ पतिदेव की अलमारी की हालत। ये मैंने एक शर्ट जो है वो निकाल के रखा है, इसको भी मुझे सही करना है। देखिए दिख रहे हैं ना कितने कपड़े उलझे हुए पड़े हैं, तो मैं फोल्ड करके ऐसे ही लगाती हूँ ना। ये देखिए सारे कपड़े जो हैं, एक तरफ मैं शर्ट लगाती हूँ, एक तरफ पैंट लगाती हूँ, पर इस बार नहीं सही करी है ना, तो देखिए इसकी क्या हालत हो गई है। तो मैं जो है ना अब इनके कपड़े सही से
पैंट लगा दी हैं सारी और ये एक तरफ शर्ट्स हैं, तो थोड़ी सी दिक्कत नहीं होती है ना कि अगर पैंट निकालनी होती है तो पैंट निकाल लो और शर्ट निकालनी हो, वैसे सब कुछ सारे कपड़े उलझ जाते हैं ना, अगर एक भी कपड़ा निकालो तो सारे कपड़े उलझ जाते हैं। तो मैं ऐसे ही रखती हूँ, सबका अपना अपना अलग होता है ना, कुछ भी काम करने का जो होता है तरीका सबका अलग अलग होता है। तो मैं अपना इसी तरीके से मैनेज करती हूँ और मुझे जो है ना जो भी सामान जहाँ से लो वहीं पे रख दो, मुझे यही करना अच्छा लगता है। मुझे कोई भी सामान इधर उधर बिखरा पड़ा हुआ तो होता है ना तो मुझे बहुत गुस्सा आती है, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। तो बस यही सब मेरा दिन भर का वर्क रहता है और अभी और भी कई काम करने हैं, जैसे मैंने आप सभी को दिखाया ना, ये देखिए मेरे इस बेडरूम की हालत देख सकते हैं अब कैसी है, तो मुझे ये भी सब सही करना है अपना। तो इसमें अब लग जाती हूँ और उसके बाद में फिर अभी जो है मैंने नाश्ता नहीं किया है क्योंकि मुझे मंदिर जाना है, तो मैं ये अपने थोड़े बहुत जो वैसे हल्के काम है ना वो कर लेती हूँ, तो कृष्णा आ जाएगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी ना। मंदिर से होके आऊँगी, वहाँ भी टाइम लग जाना है, आधा घंटा तो लग ही जाएगा, वहाँ मंदिर में भीड़ होगी ना तो आधा घंटा तो लग ही जाएगा, तो कृष्णा भी आ जाएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अरे नहीं, कृष्णा वैसे नहीं आ पाएगा तब तक, 10 बजे के बाद में मैं मंदिर जाती हूँ, देखती हूँ वहाँ पर कैसा क्या है। और चलिए अब से मिलती हूँ, अभी ये सब मैं जो है काम अपना कर लेती हूँ, उसके बाद में मिलती हूँ आपसे। सो फ्रेंड्स फाइनली अब जो है मैं जा रही हूँ मंदिर और वहीं पे बेलपत्र और जो है ना जल वहीं पे मिल जाएगा, तो घर से ऐसे ही जा रही हूँ। और मैंने बताया ना जो मेरी दीदी हैं वो जा रही हैं और देखते हैं जाके वहाँ कितनी भीड़ होगी और दिखाऊँगी भी थोड़ा सा, अगर वीडियो बना पाई तो मैं थोड़ा सा बनाऊँगी वहाँ पर। और इसी के साथ जो है मैं निकल रही हूँ मंदिर के लिए और चलिए चलती हूँ। भक्त लोग आ रहे हैं, अगले वाले क्या भूतनाथ पढ़ी है ना, देखो तीसरे क्या तो पढ़ा थे भूतनाथ सोमवार, भूतनाथ वाला ¿Qué?
अब आगे निकल रहे हैं। पिछली बार तुम नहीं आए थे ना सोमवार। हो गई पूजा, उधर उधर से नहीं निकलने देंगे क्या? उधर से निकलने देंगे क्या? इधर ही हम लोग की चप्पल तो इधर ही रखी होगी। बंद कर दिया दीदी, हमें लगता निकल गई। चलो हम लोग उधर से ही निकलते हैं। छीन ले जाना मेरा।